हरिओम दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोरंजन, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पास एक सीलिंग फैन है, इसमें क्या खराबी है, कैसे चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले दोस्तों मैं उसका कनेक्शन खोल लेता हूँ, उसके बाद आपको टेस्ट करके बताऊंगा कैसे टेस्ट किया जाता है। कैपेसिटर खोल दिया हूँ मैंने, ये देखिए, ये तीन वायर निकला हुआ है। इसमें किस किस में चार वायर भी रहता है, लेकिन इसमें तीन वायर है। पहले देखेंगे उसका अंदर का कॉइल ठीक है कि नहीं। उसको इस सीरीज बोर्ड के माध्यम से मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा। यह है सीरीज बोर्ड, पहले एक एक करके चेक करेंगे। इसमें नहीं आ रहा, मतलब ये अंदर से कहीं कट चुका है, जल चुका है, या कुछ भी नहीं दिखा रहा। देखिए, किसी में भी नहीं दिखा रहा। अगर सही होता तो ये बल्ब ग्लो करता, ठीक है। तो अब हम उसको खोलेंगे। ये जो तीन स्क्रू है, एक दो और ये तीन, सिंगल वाला जो स्क्रू है वही वाला खोलेंगे। उसके बाद ये वायर को इस तरह उसके अंदर से ऊपर ले लेंगे, फिर स्क्रू ड्राइवर के मदद से उसको खोल लेंगे। दोनों तरफ स्क्रू ड्राइवर रख लीजिए। खुल गया, ऐसा पकड़ लीजिए। ऐसा देखिए, पूरा जल चुका है कॉइल। उसको काट के निकाल के फिर नया वाइंडिंग करना पड़ेगा दोस्तों। इस तरह सारे कॉइल को हम काटेंगे। काटने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह उसको निकाला जाता है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सब दिखाऊंगा तो अभी काट के मैं काटने के बाद आपको दिखाऊंगा कि किस तरह निकाला जाता है। फैन का जो रनिंग कॉइल है उसको मैं काट चुका हूँ, सारे कॉइल को काट दिया हूँ, और थोड़ा उसको दबा देता हूँ ऐसे। अब उसको निकालूँगा कैसे, स्क्रू ड्राइवर के मदद से ऐसे धीरे धीरे करके ये निकल जाएगा। देखिए, देखिए किस तरह निकल रहा है, सारे कॉइल को इस तरह निकाल दीजिए।
सारे रनिंग कॉइल को काट के निकाल चुका हूँ। जिस तरह उसको काट के निकाला हूँ, अरे ये स्टार्टिंग कॉइल भी इस तरह काट के निकालूँगा। फिर इस तरफ से हम स्क्रू ड्राइवर के मदद से उसको निकाल देंगे। ये देखिए कितना आराम से निकल जाएगा। ये गिन के देखा हूँ, इसमें स्टार्टिंग 350 टन, SWG 35 और रनिंग भी 370 टन, SWG 35। ठीक है, तो ये हो गया पुराना डाटा और ये 14+14 स्लॉट का है स्टार्टर। और उसका स्टार्टर का साइज देख लेते हैं। चौदह पॉइंट पाँच mm, देखिए दोस्तों 14.5 mm। इसको इंच में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.57 इंच। ठीक है, पूरा डाटा इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया है। अब हम उसको ये पेपर काट के रखा हूँ मैं, ये पेपर को हम इसमें डालेंगे। किस तरह डाला जाता है देखिए दोस्तों, मैं डाल के दिखा रहा हूँ आपको। पहले ये अंदर वाला जो है स्लॉट स्टार्टिंग कॉइल का है और ऊपर वाला रनिंग कॉइल का है। पहले स्टार्टिंग कॉइल का हम इंस्टॉल करेंगे पेपर इस तरह है। ये पेपर देखिए दोस्तों, ये पेपर थोड़ा ये जो स्टार्टर का साइज से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा रखा है, दोनों तरफ से काट के थोड़ा ज़्यादा रखा है। देखिए मैं आधा पेपर डाल दिया हूँ, इतना वाइंडिंग करने के बाद फिर पेपर डाल के इस तरफ वाइंडिंग करूँगा। पहले दोस्तों मैं ये प्लायर को ऐसे खोल कर रख लेते हैं, फिर इस तरह, नहीं तो उसको क्लैंप करके भी क्लैंपिंग करके वाइंडिंग कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़ा ऐसा रहना से ठीक रहेगा, इसीलिए वाला। अब मैं ये 35 है, SWG 35, ये कॉपर का वायर है, इसमें वाइंडिंग करूँगा। इसको नीचे रख लेते हैं। पहले थोड़ा लंबा कर लेते हैं यहाँ। अब देखिए कैसा मैं वाइंडिंग करता हूँ। पहले इस तरफ से मैं एंटी क्लॉकवाइज डालूँगा, ये क्लॉकवाइज डालूँगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, इस तरह सारे स्लॉट में कॉइल डालना पड़ता है। अगर आप पहले ये क्लॉकवाइज डालेंगे तो फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज डालेंगे। इस तरह मैं पहले एंटी क्लॉकवाइज डालता हूँ। यही देखिए इधर से इस तरह एक राउंड हो गया है, दो राउंड। देखिए किस तरह मैं डाल रहा हूँ, पहले इस तरह पकड़ लीजिए है, तीन इस तरह घूम रहा है अभी, देखिए है ऐसा जाएगा, ऐसा तीन हो गया, चार, पाँच, हम अब ठीक से दिखेगा शायद आपको,
पांच राउंड हो गया, छः सात आठ नौ दस, ऐसी गिनती करते हुए डालना पड़ेगा। ये 350 सारे स्लॉट में 350 करके डालना पड़ेगा। ये 10 हो गया, देखिए दोस्तों 100 टर्न हो गया, हम मार्कर लगा दिया 100, नहीं तो गिनती में भूल हो सकता है। पचास, 350 हो गया दोस्तों, ये पहला स्लॉट कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरह 350 हो गया। फिर अब क्या करेंगे, इस तरह जाएगा, ये ऐसा डाल रहा था हम लोग, फिर अभी इस तरह डालेंगे, कैसे इस तरह, देखिए एक दो तीन, ऐसा पहले एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, इस तरह डाला जाएगा। ये 350 हो गया। थोड़ा लकड़ी का सहायता से उसको थोड़ा दबा दीजिए, हो गया। ये क्लॉकवाइज था, अभी एंटी क्लॉकवाइज डालेंगे, फिर इस तरह है, बाएं हाथ से पकड़ लीजिए, है दो तीन चार सात, घुमा दीजिए, आठ नौ दस ग्यारह उन्नीस बीस, ये सौ हो जाने के बाद थोड़ा साइज करा दीजिए उसको, ऐसे फिर सौ होने के बाद फिर साइज कर दीजिए। ये 20 हो गया, मैं पहले एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट किया था, लास्ट में क्लॉकवाइज होगा। 50, 350 हो गया। अब इधर से निकाल देंगे वो बाहर, हम अब उसको काटेंगे। ये जो ऊपर वाला ऐसा कैंची के माध्यम से काट लीजिए बराबर करके, इस तरह अब ये जो काट दिया है उसको लॉक करेंगे। इस तरह एक प्लेट के प्लेट जैसे पतला सा इसका अंदर घुसेगा, इस तरह दबा दीजिए, ये लॉक हो जाएगा। हो गया, ये दिख रहा होगा, ये पहला सिरा और ये आखिर सिरा, ये दोनों के बीच में जो स्लॉट है यहाँ से हम पहले स्टार्ट करेंगे। ये सिरा से ये पेपर डालेंगे, इस तरह थोड़ा लंबा रखिए और यहाँ बांध लीजिए। पहले स्टार्ट किया था एंटी क्लॉकवाइज,
ये भी एंटी क्लॉकवाइज पहले स्टार्ट करेंगे इस तरह। इस तरह एक हो गया, दो, तीन, सत्तर, 370 इसमें दिया है। पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज दिया जाएगा। अभी वही 370 स्टार्टिंग कॉइल में 350 दिया था, अभी ये रनिंग कॉइल में 370। दो राउंड हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज था, ऐसा था, अभी ऐसा होगा क्लॉकवाइज। ये लास्ट कॉइल हमारा फर्स्ट कॉइल एंटी क्लॉकवाइज था, लास्ट कॉइल क्लॉकवाइज होगा। देखिए ऐसा, एक, दो, चार, सत्तर हो गया। तीन सौ सत्तर हो गया दोस्तों, उसको थोड़ा लंबा रख के काट देंगे। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल दोनों कॉइल कंप्लीट हो चुका है। अब वो मैं उसको काट लूँगा, तो पेपर को बचा हुआ पेपर जो है ऊपर में इसको काट लूँगा। पहले जैसे काटा था ऐसी काट लेंगे। देखिए काटने के समय कोई वायर अगर बाहर में निकला है तो देख के काटिए, नहीं तो कट जाएगा वायर। हो गया, सारे कॉइल काट दिया हूँ। टेस्टर के माध्यम से ऐसा दबा दीजिए, ये लॉक हो जाएगा। देखिए ये हो गया, फिर बाद में उसमें और एक लॉक लगा देने से अच्छा है। इस तरह सारे पेपर को मोड़ दीजिए। देखिए सारे पेपर को मैं मोड़ दिया हूँ। अब क्या करेंगे ना, ये जो कट पीस जो निकला है इसमें से छोटा छोटा पीस काट के उसका ऊपर में लॉक लगाना पड़ता है। देखिए इस तरह का काट लीजिए, इसका ऊपर में इस तरह लॉक लगा दीजिए, वो परफेक्ट से बैठ जाएगा और खुलने का चांस नहीं है। देखिए ये डल दिया है, उसको थोड़ा यू टाइप का आधा फोल्ड करके ये इस तरह डाल दीजिए। हो गया, ये दो सिरा रनिंग का है, ये दो सिरा स्टार्टिंग का है। देख रहे, ये दोनों सिरा के बीच में मैं पेपर इसमें डाल दिया हूँ, अरे इसमें डाल के दिखा रहा हूँ मैं आपको। इस तरह पेपर डालना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह फोल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा ऐसा फोल्ड कर दीजिए, फिर घुमा के इस तरफ भी ऐसा फोल्ड कर दीजिए। ये इस तरह देखिए, ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर
ये जो कैल है यहाँ एक डालिए, इधर एक डालिए, हो गया। ये दोनों कैल के बीच में दूरी बनाने के लिए ये डाला जाता है। इस तरह भी और एक डाल दीजिए, ये डालना ज़रूरी है। इस तरह सारे कैल में डाल देने से बहुत अच्छा है। पहले स्टार्टिंग कर किया, ये पहला सिरा इसी इस तरफ से आके ये आखिर सिरा होके निकला है। अभी स्टार्टिंग कैल का दो सिरा, एक इनर एक आउटर, उसके भी दो सिरा, एक इनर एक आउटर। अब क्या करेंगे, नहीं ये जो स्टार्टिंग कैल है और रनिंग कैल है, पहला सिरा दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। देखिए ये जोड़ के हम उसको कमन बना दिया। अब उसका ऊपर में एक स्लिप पाइप चढ़ा देंगे, हो गया, ये कमन हो गया। और ये रनिंग ये स्टार्टिंग, इन वायर को यहाँ से डाल देंगे नीचे, ये निकल दिया है तीनों वायर। देखिए दोस्तों, येलो वायर को मैंने कमन में जोड़ा है, रेड वायर को रनिंग में जोड़ा है और ब्लैक वायर को स्टार्टिंग में जोड़ा है। ये तीनों वायर को मैं इस तरह जॉइंट किया हूँ। चिंता मत करिए दोस्तों, ये कनेक्शन समझ में अगर नहीं आया तो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दूँगा, बहुत सरल तरीके से समझाऊँगा दोस्तों, ठीक है। ये हो गया, अब इसमें बर्निश दिया जाएगा, फिर धूप में सूखा जाएगा। सूखाने के बाद दो तीन घंटा कम से कम कड़ी धूप में सूखा के फिटिंग करेंगे। अब इसको बर्निश से चढ़ा देंगे, बर्निश लगा के धूप में सूखा देंगे। देखिए बर्निश से अच्छी तरह से बर्निश दे दीजिए, ऐसी इस तरह बांधने से अच्छी तरह से दे देने से मजबूत हो जाएगा, पूरा उसका लॉन्गजीविटी बढ़ जाएगा। बस हो गया दोस्तों, बढ़िया से बांधने से दे दिया। अब धूप में सुखा लेंगे, उसको भी पूरा सिलाई भी कर सकते हैं और भी अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, इसको मैं बर्निश दे के पूरा सूखा लिया हूँ, अच्छी तरह से सूख गया है। अब मैं आपको फिटिंग करके दिखाऊंगा। इसमें डाल दीजिए ऊपर वाला टॉप में लगाइए, फिर रिंग बिठा देंगे इसमें, बस देखिए कितना फ्री घूम रहा है।
जो तीनों स्क्रू खुला था पहले वही तीनों स्क्रू, ये उसका वॉशर लगा के उसको धीरे धीरे टाइट करेंगे। एक साथ टाइट नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके तीनों को बराबर से टाइट करेंगे। अब कैपेसिटर लगाएंगे इसमें, इसका कैपेसिटर यह है, तो वायर इधर से निकाल लीजिए इस तरह। कैपेसिटर लग गया, फिर इसके बाद ये हमारा कॉमन वायर है, ये येलो वाला वायर कॉमन है। अरे ये जो दो वायर बचा हुआ है ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है। काला वाला स्टार्टिंग रखा था, अरे लाल वाला रनिंग रखा था। ये दोनों में ये कैपेसिटर का जो दो वायर है किसी में भी, इसमें एक इसमें जॉइंट कर दीजिए और एक इसमें जॉइंट कर दीजिए, कमन को छोड़ के। ये कमन है और ये रनिंग स्टार्टिंग में कैपेसिटर का दो वायर जॉइंट। अब ये कमन वायर ये नीचे लगा दीजिए, इसमें नीचे हो नहीं तो ऊपर, ये लग गया। अरे उसका जो रनिंग वायर है, ये रनिंग वायर और कैपेसिटर एक साथ में जो जॉइंट किया हुआ है उसको ऊपर में लगा दीजिए। ये लग गया। अरे उसको उसको टैप कर सकते हैं, नहीं तो उसका बीच में लगा दीजिए इसमें। देखिए ये कॉमन है, अरे ये रनिंग रनिंग और कैपेसिटर, अरे ये स्टार्टिंग और कैपेसिटर बीच में रहेगा, उसमें टेप करा सकते हैं नहीं तो बीच में लगा सकते हैं। तो दोनों में ऊपर और नीचे ये दोनों में लगा दिया है सीरीज वायर। सही तरीके से घूम रहा है, इस सीरीज बोर्ड से टेस्ट किया है। अब हम डायरेक्ट टेस्ट करेंगे, दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से तो जरूर लाइक कर दीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों इस फैन का कनेक्शन डायग्राम यह है, इसमें कैसे कनेक्शन किया जाता है इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकेंगे। देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये 14 स्लॉट का स्टार्टर है, ये है 1 2 3 4 ऐसी 14 स्लॉट, ये भी रनिंग का 14 स्लॉट ये है। हम पहले कैसे क्या किया ना, यहाँ से शुरू किया वाइंडिंग इस तरह, 350 टर्न जब हो जाता है तब वो इधर से आ जाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये फिर क्लॉकवाइज 350 फिर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह पूरा यहाँ तक आ जाता है। ये हो गया, ये स्टार्टिंग का वाइंडिंग हो गया। फिर रनिंग का देखिए, पहले स्टार्ट यहाँ से किया है ऐसा, पहले
उसी तरह एंटी क्लॉकवाइज डाला है, फिर क्लॉकवाइज इस तरह, फिर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इस तरह आके ये यहाँ से ख़त्म हुआ। ये रनिंग का है, ये स्टार्टिंग का है। ये रनिंग में 370 टर्न्स दिया हुआ है और स्टार्टिंग में 350 टर्न दिया हुआ है। यहाँ तक हम लोग वाइंडिंग कर लिया है, अब कनेक्शन करेंगे। देखिए ये उसका ये सिरा जो है, ये सिरा इनर है, पहले स्टार्ट किया है यहाँ से ऐसी, और ये आउटर है, ये इनर ये आउटर, उसका भी इनर ये है ये आउटर। सबसे पहले दोस्तों ये जो स्टार्टिंग कॉइल का जो आउटर और रनिंग कॉइल का आउटर, ये दोनों को जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ जॉइंट कर दीजिए और यहाँ से एक वायर निकाल कर जॉइंट करके ले आइए। ये लो वायर दिया हुआ है इसमें, ये कॉमन हो गया है, इसको कॉमन वायर कहा जाता है। और जो दो वायर रह गया, ये रनिंग का एक वायर है और ये स्टार्टिंग का एक वायर है, ये दोनों में 2.5 MFT का कैपेसिटर लग गया है। देख लीजिए, ये लगा दीजिए। लगाने के बाद जो रनिंग वायर जहाँ जॉइंट हुआ है, स्टार्टिंग वायर नहीं, रनिंग वायर, यहाँ से एक वायर जॉइंट कर लीजिए रेड वाला, और इसमें करंट दिया जाएगा, इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव भी दे सकते हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है कनेक्शन। ये ब्लैक वायर इसमें दिया हुआ है ये स्टार्टिंग का, ये ब्लैक वायर, और रनिंग का रेड वायर। समझ गया होगा दोस्तों, इतना ही समझाने का था। ये आपको बहुत इजी है जॉइंट ये कनेक्शन करना। इसमें दिया गया है येलो वायर कॉमन है, उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा, और जो रेड वायर है वो रनिंग का है, उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा, और कैपेसिटर दोनों में लगेगा, एक स्टार्टिंग में एक रनिंग में। बस इतना ही है कनेक्शन दोस्तों। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ज़रूर, जो नया भाई है वो कर सकते हैं उसको देखकर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, भारत माता की जय।